अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मसाला फ़िश फ्राई। विंटर का सीज़न है, इस टाइम पे फ़िश फ्राई हो या फिर फ़िश का सालन हो, सब तरह से ये अच्छी लगती है और हेल्दी भी रहती है। तो इसके लिए मैंने ये 5 पीसेस फ़िश के लिए हैं। फ़िश को मैंने 15 मिनट के लिए विनेगर लगा के रख दिया था और उसके बाद इसे धो लिया है और अच्छे से ड्राई कर लिया है इसके पीसेस को। तो अब हम फ़िश को मैरिनेट कर लेंगे। ये मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है मैंने। इन दोनों को मिक्स कर देंगे और साथ ही में इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। इसे हम फिश पे लगा देंगे। फिश के पीसेस पे अच्छे से इसे रब कर दें सबको। ये देखिए, फिश पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा दिया है। अब इसे हम 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लेंगे इसी मसाले में। उसके बाद इसका आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब सेकंड मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। सेकंड मैरिनेशन के लिए मैंने लिया है इसमें 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1/2 टेबल स्पून जीरा और 1 टी स्पून अजवाइन। इन तीनों को मिला के मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने पाउडर रेडी किया है इसे इसमें डाल देते हैं। सब मसालों को एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने दिया है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने ये चाट मसाला लिया है, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये लिया है मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है। और ये मैंने 2 टेबल स्पून बेसन लिया है, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। सब मसालों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लें। और इसमें हम पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करें। ये देखिए, पेस्ट बन गया है। इतना ही इसे थिक रखना है इसी तरह से, जिससे ये फिश पे अच्छे से लग जाए। अब जो ये फिश ली है हमने, इस पेस्ट से हम लगा देते हैं। सब फिश पीसेस पे अच्छे से मसाले को रब करें। ये देखिए, फिश पे मैंने अच्छे से मसाला लगा के रख दिया है। इसे 1 घंटे के लिए मैं मैरिनेट कर रही हूँ। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसे 30 मिनट के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। मैरिनेट करने से जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसे 1 घंटे के लिए मैं रख देती हूँ, फिर उसके बाद हम फ्राई करेंगे इसे। फिश को मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया है और अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं फ़िश ऐड कर रही हूँ। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया, उसके बाद उसकी फ्लेम को मीडियम पे कर दिया मैंने। फिश को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता गलने में, बहुत जल्दी पक जाती है। इसे एक साइड से मैं 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से पका लूँगी, फिर इसी साइड से चेंज करेंगे। ये देखिए, मैंने एक साइड से करीब 3 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लिया है और फ्लेम को लो पे कर दिया है, जिससे फिश जो है अच्छे से गल जाए। अब जो है साइड चेंज कर देंगे। आप देखिए कितनी करारी से फ्राई हुई।
ये देखिए कुछ अच्छे से फ्राई हो चुकी है और ये गल भी चुकी है, अब इसे भी निकाल लेते हैं और इसी तरह से जो बाकी की ब्यूटी है उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। फिश को थोड़ा सा हल्के हाथ से निकालें क्योंकि फ्राई होने के बाद ये टूटने का डर रहता है। और इसी तरह से मैं बाकी की जो फिश है उसे भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये लीजिए मज़ेदार सी करारी मसाला फिश फ्राई बनके तैयार है। आप देखें कितनी अच्छी दिख रही है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। विंटर का सीज़न है, इस टाइम तो फिश फ्राई बहुत ही अच्छी लगती है। तो जल्दी से इस रेसिपी को आप अपने किचन में ट्राई करें, जिस तरह से मैंने बनाई है उसी तरह से बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। और देखते रहें मेरे चैनल को, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इंजॉय करें। मसाला फिश फ्राई, विश शिबाज़ किचन। थैंक यू।